हेलो वेलकम गाइस टू स्मार्ट इन टेक। मेरा नाम ऋषभ और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रियलमी 6 सीरीज और रेडमी नोट 9 प्रो सीरीज के बारे में। तो इन दोनों डिवाइसेज ही कुछ समय पहले ही रिलीज हुए हैं और क्या वैल्यू लेकर आते हैं मार्केट के अंदर, ये हम देख लेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेना चाहता हूँ, दोनों ही फोन्स में सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा हैं, प्राइसिंग भी सेम है, वेरियंट्स भी सेम है, लेकिन यहाँ पर दोनों की ऑफरिंग्स बहुत ज़्यादा अलग है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूँगा रियलमी 6 के साथ, जहाँ पे हमें G90T देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है, जैसे कि हमने देखा था रेडमी नोट 8 प्रो में, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है किसी भी गेम में। तो अगर आप गेमिंग के लिए देख रहे हैं तो मैं आपको अभी भी सजेस्ट करूँगा बिल्कुल रियलमी 6 डिवाइस, सिंपल 6 वाला विदाउट प्रो। और वहीं पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमें रेडमी नोट 9 में देखने को मिलता है 720G, जिसकी परफॉर्मेंस एट पार कह सकते हैं, कुछ चीज़ों में कम भी हो सकती है G90 से, लेकिन काफ़ी सिमिलर प्रोसेसर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इनकी परफॉर्मेंस की, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा अंतर आ गया हो ऐसा कुछ नहीं है इन दोनों की परफॉर्मेंस में। और यहाँ पर बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है दोनों का 13,000 रुपीज़ से, और दोनों के ही बेस वेरिएंट में आपको 4+64GB स्टोरेज देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा अंतर इन दोनों डिवाइसेज में ये है कि इनके डिस्प्लेस, तो यहाँ पे चाहे दोनों में ही पंच होल हो, दोनों के पंच होल में 16 मेगापिक्सल का कैमरा हो, उसके साथ यहाँ पर रियलमी 6 में 90Hz का डिस्प्ले देखने को मिलता है। कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी डील है कि 13,000 रुपये में 90Hz देना बहुत बड़ी बात होती है, और इंडिया जिस तरीके की इंडियन मार्केट है उसको नए फीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो अगर आप नए फीचर्स देखते हैं तो रियलमी 6 इज़ द ब्रांड टू गो विद, क्योंकि इस टाइम पे जो मार्केट स्ट्रक्चर रेडमी ने कैप्चर करने की कोशिश करी है, मेरे हिसाब से वो फोकस कर रहे हैं अपनी बिल्ड के साथ और अपनी बैटरी के साथ। कैमराज में ज़्यादा नहीं घुसते क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दोनों में ही क्वाड कैमरा सेटअप है, और रियलमी 6 में 64 मेगापिक्सल का GW1 है, और वहीं पर हमें GM2 देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का रेडमी नोट 9 में, जो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है परफॉर्मेंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देखने मिलेगी हमें रेडमी नोट 9 से। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने देखी होगी शायद, तो उसमें बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की कोशिश करी है दोनों डिवाइसेज में। दोनों ही डिवाइसेज मैं कहूँगा एट पार नहीं है इन दोनों ही कंपनी के स्टैंडर्ड से इस साल के फ़ोन, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। रियलमी 6 के आपको 3 वेरियंट्स देखने को मिलेंगे, और वहीं पर रेडमी नोट 9 प्रो के आपको 2 वेरियंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि 4+64 और 6+128 पे रुक जाता है। और वहीं पे रियलमी 6 के हमें 3 वेरिएंट्स 4+64, 6+128 और 8+128 देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादा ज़रूरत की बात नहीं है एक बजट ओरिएंटेड डिवाइस में, लेकिन अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस पे देखते हैं तो यहाँ पे ज़रूर फ़र्क पड़ने वाला है। और एट द सेम प्राइस 16,000 के प्राइस में आपको 8+128 मिल जाता है G90T के साथ, तो आप गेमिंग परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा अंतर आने वाला है। रियलमी 6 बेटर होगा जस्ट बिकॉज वो प्राइसिंग स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से यहाँ पर रियलमी ने सही सेट किया है अपने 6 डिवाइस के लिए, लेकिन रेडमी नोट 9 प्रो यहाँ पे 16,000 में हमको दे रहा है 6+128, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे अंतर है जो कि दिख रहा है साफ साफ। और रियलमी की ऑफरिंग में हमारे पास 90Hz का डिस्प्ले भी है, तो ये जो ऑफरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा गेमर्स के लिए टारगेटेड है, जो कि सही भी है, इनका डिवाइस गेमिंग सेंट्रिक है काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो मैं भी इसमें सजेस्ट करूँगा रियलमी 6 डिवाइस। अब उसी में बात कर लेते हैं आगे रियलमी 6 प्रो की और रेडमी 9 प्रो मैक्स की, जो कि एक तरीके से मेरे हिसाब से यूजलेस नेम है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, जो कि मिसलीडिंग है, काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग है। अगर आप इसके स्पेकशीट खोल के देखते हैं तो सिर्फ 2 अंतर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है पीछे 48 की जगह, और सामने 32 का देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ दूसरा चेंज है बैटरी में, जो कि बैटरी एग्जैक्टली सेम है लेकिन चार्जिंग स्पीड यहाँ पे बदल जाती है, और यहाँ पे 33 वॉट्स का इन बॉक्स फास्ट चार्जर हमें देखने को मिल जाता है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में, जो कि यूजलेस टर्म है, बहुत ज़्यादा यूजलेस टर्म है। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बनाने की कोशिश है दोनों कंपनीज की तरफ से ही, और मैक्स का यहाँ पर मतलब होना चाहिए था या तो बिगर स्क्रीन हमें मिल जाती, स्क्रीन साइज भी सेम है, पंच होल भी सेम है, तो मैक्स से परफॉर्मेंस भी मैक्स कर सकते थे, लेकिन प्रोसेसर भी सेम है, तो क्या मैक्स का क्या मतलब है यहाँ पे, अगर रेडमी देख रहे हो क्या मतलब है मैक्स का। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसको 2 चीज़ों पर ही कंपेयर कर सकता हूँ, जो कि है इसका डिस्प्ले एंड बैटरी। यहाँ पे बैटरी रियलमी में कम है लेकिन उसका डिस्प्ले 90Hz का है,
और यहाँ पे बैटरी रेडमी में ज़्यादा है, लेकिन डिस्प्ले उसका 60 हर्ट्ज़ पे लॉक्ड है, जो कि ठीक ठीक है, लेकिन ऑफरिंग आप देख सकते हैं सामने वाली कॉम्पिटिटर कंपनी की, तो वो बेटर निकल के आती है अगर आप स्क्रीन स्क्रीन को देखते हैं। और उसके साथ आपको यहाँ पर भी 30 वॉट्स का इनबॉक्स चार्जर देखने को मिल जाता है। तो अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगे गाइस, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है, और नोटिफिकेशन बेल है उसके साथ वो भी दबा दीजिए, तो उससे क्या रहेगा कि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलेंगे। अगर आपको चाहिए तो ज़रूर दबाएं। तो अब आगे चलते हैं वीडियो में। और रेडमी इस बार ज़्यादा कुछ मतलब वैल्यू प्रोपोजिशन के नाम पर सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पर हमें, मैं जो देखता हूँ वो बेटर है यहाँ पर, कि यहाँ पर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और ग्लास डिस्प्ले और जो इसका चेंज हो चुका है वो पीछे वाला डिज़ाइन, बस वो अंतर है मेरे हिसाब से, और कोई अंतर नहीं है इन डिवाइसेज में। और वहीं पर इन दोनों कंपनीज़ को एक बार साइड रखते हैं, और आपको मैं गिनाता हूँ इन्हीं कंपनीज़ के अदर ब्रांड अदर फोन्स, जो जैसे पोको X2, Realme X2, Redmi Note 8 Pro, जो कि काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन देते हैं इस टाइम पर भी, इन इसके आसपास प्राइस होने के बावजूद। तो बस अगर आप इन दोनों फ़ोन्स को चेकआउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप Redmi Note 8 Pro से अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप Realme 5 से अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा काफ़ी सिग्निफिकेंट आपको चेंज देखने को मिल सकता है इन दोनों ही डिवाइसेस से। तो इतना ही लगा इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे कमेंट्स करके बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इन दोनों डिवाइसेस के बारे में, और आप क्या सोचते हैं इन डिवाइसेस से, मतलब क्या ओवर प्राइज्ड है, क्या और होना चाहिए था इन डिवाइसेस के अंदर। नीचे कमेंट्स करके बताइए, मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।